ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਵਧੇ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕੀ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ਦਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਮਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ਦਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਮਾਈ, ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰੇ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਰੇਤ ਖਾਧੀ ਅੱਕ ਖਾਧੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਸਨ ਬੰਦਗੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰੇ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਪਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਨੌ ਨਿਤ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚ ਖੰਡ
धन गुरु नानक साहब सुल्तानपुर लोधी नदी ते इशनान कर रहे सन। ऐसा चुभा लाया कि फिर पानी दे बाहर नहीं आए, सचखंड चले गए। लोका ने समझिया कि गुरु नानक डूब गए, पर धन गुरु नानक साहब सचखंड जा पहुंचे, सिर नवाया, ए शब्द उचारिया, तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहां। ऐ अकाल पुरख, तू बड़ा वड्डा है समुंदर दी तरह, ते मैं एक मच्छी दी तरह, तेरा अंत किवें लै सकना। एक अमृत दा प्याला उतरिया, हुक्म होया ऐ नानक, ए मेरे नाम दा प्याला है, ए तू पी लै। ओ नाम दा प्याला धन गुरु नानक साहब ने पीता, फिर हुक्म होया ऐ नानक, तू मेरे नाम दा प्याला पीता है, तेनू जिहड़ा स्वाद आया है, रस आया है, उस रस की कीमत कहो कि इस रस की किन्नी क कीमत हो सकती है। ता गुरु साहबा ने हाथ जोड़े सिर नवाया, ता ए शब्द उचारिया, कोट कोटी मेरी आर जा, पवन पियन अपिया, करोड़ा साल मेरी उम्र होवे ते हवाई मैं खावा, ते हवाई पीवा पानी दी जगह। कोट कोटी मेरी आर जा, पवन पियन अपिया, चंद सूरज दोए गुफे ना देखा, सुपने सौन ना था। एक गुफा दे विच बह जावा, चंद ते सूरज भी ना देखा, सुपने दे विच भी मैं सौवा ना, करोड़ा साल तेरी बंदगी करा, पर ऐ अकाल पुरख तेरे नाम दी कीमत मैं नहीं पा सकता। चंद सूरज तो एक गुफे ना देखा, सुपने सौन ना था, पी तेरी कीमत ना पवे, हों के वड़े आखाना, साचा निरंकार निज थाए, सुन सुन आखने आखना, जे पावे करे तमाए, कुस्सा कटिया वार वार, पीसन पीसा पाए। अपने शरीर नु छोटा छोटा करके मैं कट दिया, फिर उन्हां टुकड़िया नूं चक्की दे विच पी देआं। तां गुरु नानक साहब जी बयान करदे ने, कुस्सा कटियां वार वार, पीसण पीसा पाए, अग्गी सेती जालिया, पसम सेती रल जा। अपने शरीर दे टुकड़िया नूं चक्की विच पी के अग्गी सेती जालिया, फिर अग विच साड़ दे, फिर उस स्वाह नूं भस्म सेती रल जा, मिट्टी दे विच रला दे। पर अकाल पुरख तेरे नाम दी कीमत फिर भी नहीं पै सकती। अग्गी सेती जालिया, पसम से तीर अल जा, पी तेरी कीमत ना पवे,
हाँ के वड़े आखाना पंखी होय के जे भवा सै असमानी जा पंखी बन जावा उड़दा ही जावा आकाशां विच इन्ना उड़ा के किसे नू मैं नजर भी ना आवा ना कुछ खावा ते ना ही पीवा पंखी होय के जे पवा सै असमानी जा नदरी किसे न आवहू ना किछ पिया न खाओ पर अकाल पुरख तेरे नाम दी कीमत फिर भी नहीं मैं पा सकदा पी तेरी कीमत ना पवे हों के वड़े आखाना नानक कागद लख मना पढ़ पढ़ की चै पाओ लखा मन कागद होन उन्ना दे उते तेरी मैं सिफत लिखा कलम जड़ी ये हवा दी तरह चले इन्नी सिफत लिखी जाइए पढ़ी जाइए प्यार करिए पर अकाल पुरख तेरे नाम दी कीमत फिर भी नहीं पै सकती नानक कागद लखमणा पढ़ पढ़ की चै पाओ मसु तोट ना आवई लेखन पौन चलाओ पी तेरी कीमत ना पवे हों के वड़े आखाना तन नानक तेरी वड़ी कमाई तन नानक तेरी वड़ी कमाई ए सुन के अकाल पुरख ने कहा ए नानक तू मेरे नाम नू पहचाने है तेरा नाम गुर परमेश्वर मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर जिन्नू तू बख्शिया उसनू असा बख्शिया जिस ते तेरा करम उस ते मेरा करम ए बख्शिशां लैके तन गुरु नानक साहब तिन्ना दिना दे बाद सुल्तानपुर लोधी फिर उसे नदी दे विचू प्रगट होए ने भाई गुरदास जी बयान करदे ने बाबा पेंदा सच खंड नौ निद नाम गरीबी पाई बाबा देखे ध्यान तारे जलती सब पृथ्वी दिसे आई फिर एक निगाह इस दुनिया वाल मारी बाबा देखे ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिसे आई के सारी दुनिया दुखां दे विच सड़दी होई नजर आई बाबा देखे ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिसे आई बाज गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई गुरु तू बगैर अंधेरा है पापां दा अज्ञान दा है कर दी सुनी लुकाई ए लुकाई ए दुनिया दुखां दे नाल कुरलांदी होई गुरु बाबे ने देखी बाज गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई
बाबे पेख बनाया उदासी दी रीत चलाई। विचार कीती ए दुनिया दुखी है, पाप कर रही है, इन्हां दा उदार तां हो सकदा है जे मैं आप चल के इन्हां दे कोल जावां। जिस तरह बच्चा चिकड़ विच डिग पवे, उन्हूं कढ़न वास्ते अपने हाथ तां लबेड़ने पैंदे ने। इन्हां लोकां नूं सुखी करन वास्ते उदासी दी रीत, पगवे कपड़े पाले उदासियां वाले, अपना घर बार छड़ के चढ़िया सोधन तरतु लुकाई के गुरु बाबा जी इस दुनिया नू सोधन वास्ते, सुख देन वास्ते अपने घरों तुर पए ने। भाई गुरदास जी बयान करते ने, बाबे पेख बनाया उदासी दी रीत चलाई, चढ़िया सोदन तरत लुकाई। तन ननक तेरी वड़ी कमाई, तन ननक तेरी वड़ी कमाई, वड़ी कमाई तेरी वड़ी कमाई। वड़ी कमाई तेरी वड़ी कमाई, तन ननक तेरी वड़ी कमाई, तन ननक तेरी वड़ी कमाई। तन गुरु नानक साहब ने उदासियां खत्म कीतियां ने। करतारपुर वापस आके बैठ गए ने, उदासियां वाले कपड़े ला के संसारी कपड़े पा ले ने, खेती बाड़ी शुरू कर दिती। पर गुरु नानक साहब नू पता लगा अचल बटाले शिवरात्रि दा मेला लगदा है, इस जगह बहुत बहुत दूर तो लोकी आंदे ने, बड़ा भारी मेला लगदा है। ते सिद्ध लोग जिन्ना कोल रिधियां सिद्धियां जंतर मंत्र होंदे ने, ए भी मेले ते आंदे ने, अपनियां रिधियां सिद्धियां जंतरा मंत्रा दे नाल भोले भाले लोकां नूं डरा के उन्हां कोलों पूजा लैके पहाड़ां ते चले जांदे ने, आप ऐश करदे ने। पर उन्हां दुखी लोकां नूं परमेश्वर दा रस्ता नहीं दसदे। इन्हां दा पखंड दूर करन वास्ते धन गुरु नानक साहब अचल बटाले दे मेले ते आए ने। भाई गुरदास जी बयान करते ने, तन ननक तेरी वड़ी कमाई, तन ननक तेरी वड़ी कमाई, मेला सुन शिवरात्रि दा। शिवरात्रि दा मेला सुन के बाबा गुरु नानक साहब नूं कहा कि अचल बटाले शिवरात्रि दा मेला सुन के आए ने। मेला सुन शिवरात्रि दा बाबा अचल बटाले आए, दर्शन वेखण कारणे
सगली उल्ट पई लोकाई। जदों धन गुरु नानक साहब मेले ते आए, एक पासे कन पाटे जोगी, पैरां तो लैके सिर तक सुआ मली हुई, एक पासे धन गुरु नानक साहब नूरी नूर चेहरा, दर्शन कीतिया मन नूं ठंड पैंदी, ते लोकी दर्शन वेखण कारने गुरु साहिबां दे दर्शन वेखण वास्ते लोकाई क्या है लोकां नूं। सारे लोग सिद्धां कोलों उठ के धन गुरु नानक साहब दे कोल आण लग पए ने। दर्शन वेखण कारने सगली उल्ट पई लोकाई, लगी वरसन लक्ष्मी अरिद सिद्ध नो नित सवाई। ते जिहड़ा मत्था टेकदा है ओ माया जरूर रखदा है, लक्ष्मी क्या है माया नूं। जिस तरह मीह पैंदा है इस तरह लक्ष्मी माया जिहड़ी सी गुरु साहिबां दे चरणां ते वरसन लग पई, माया दा ढेर लग गया। लगी वरसन लक्ष्मी अरिद सिद्ध नौ निद सवाई, जोगी देख चलित्र नू मन विच रिस्क कनेरी खाई। जदू जोगियां ने ए देखिया कि जिहड़ी माया साडे कोल आनी चाहीदी सी ए तां गुरु नानक साहब दे कोल जाण लग पई, ते इन्हां दे मन ईरखा दे नाल भर गए, बड़ा गुस्सा चढ़िया इन्हां नूं। जोगी देख चलित्र नूं मन विच रिस्क कनेरी खाई, पगतियां पाई पगतियां लोटा जोगी लिया छपाई। इन्हां सिद्धां ने भगतियां किया है पंडा नूं, रास पाण वालिआं नूं पंडा नूं बुला ले कि ए रास पाणगे, ते लोकी गुरु नानक साहब कोलों उठ के रास देखण लग पैणगे। पंडा ने रास पाणी शुरू कीती ते विशकार एक लोटा रखिआ सी। जिहड़े लोक रास देखदे सन उस लोटे दे विच माया पा देंदे सन, ते जदों ओ लोटा माया दे नाल भर गया ते जोगियां ने अपनियां रिद्धियां सिद्धियां दे नाल ओ लोटा जिहड़ा सी ओनू लुका दिता। भगतियां पाई भगतियां लोटा जोगी लिया छुपाई, पगतियां गई पगत पुल लोटे अंदर सुरत बुलाई। पगतियां ओ जड़े पांड सन, माया वाला लोटा गुआच गया ता उन्हां नूं रास पानी भुल गई कि साडा ते माया वाला लोटा गुआच गया। पगतियां गई पगत पुल लोटे अंदर सुरत भुलाई। ओ जिहड़े पंड सन सिद्धां कोल गए, साडा लोटा लभ दिओ, किसे ने लोटा चुक लिया। सिद्धां ने तिलक होया सी लभ दे किवें, कहन लगे जाओ ओ जिहड़ा गुरु नानक बैठा है ओनू कहो जे शक्ति है तां तुहाडा लोटा लभ देवे। ए सारे पंड धन गुरु नानक साहब कोल गए ने कि महाराज साडा लोटा लभ दिओ। भाई गुरदास जी बयान करदे ने कि बाबा धन गुरु नानक साहब ओह तां जानी जान सन, अंतरजामी सन, जिथे सिद्धां ने लोटा लुकोया सी धन गुरु नानक साहब ने उथों लोटा कढ के ते उन्हां भंडां नूं दे दिता।
बाबा जानी जान पुरख कटिया लोटा जहां लुकाए। लोटा काट देता ते चार चफेरे गुरु साहिबां दी जय जयकार होण लग पई। पर ए गल सिद्धां नूं चंगी ना लगी। वेख चलित्र जोगी खुणसाई के जड़े जोगी सन खुणसाई कहिंदे ने सड़े। बहुत दुखी होए कि ए काम तां उल्टा हो गया। हुण सारिआं जोगियां नूं गुस्सा चढ़िआ। अपने अपने आसना तो उठे धन गुरु नानक साहब नू घेरा पा के बैठ गए ने। अखां लाल कीतियां ने। लोकी डरन लग पए कि इन्हां सिद्धां कोल रिद्धियां सिद्धियां ने। पता नहीं धन गुरु नानक साहब दे नाल एक ही सलूक करनगे। भाई गुरदास जी जो कुछ इन्हां सिद्धां ने कीता ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪੁਰਖ ਕੱਢਿਆ ਲੋਟਾ ਜਹਾਂ ਲੁਕਾਈ ਵੇਖ ਚਲਿੱਤਰ ਜੋਗੀ ਖੁਣ ਸਾਈ ਤਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਖਾਦੀ ਖੁਣਸ ਯੋਗੀ ਸਰਾ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਭੇ ਉੱਠਿਆ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਖੁਣਸ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਟਾ ਲੱਭ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਦੀ ਖੁਣਸ ਯੋਗੀ ਸਰਾ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਭੇ ਉੱਠਿਆ ਪੁੱਛੇ ਜੋਗੀ ਪੰਗਰ ਨਾਲ ਤੋਏ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ। ਪੰਗਰ ਨਾਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨਾਨਕ ਤੋਹੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੀ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਐ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਪਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਗਰਨਾਥ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਪੁੱਛੇ ਜੋਗੀ ਪੰਗਰਨਾਥ ਤੋਏ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ ਫਿੱਟਿਆ ਚਾਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਿੜਕਿਆ ਮੱਖਣ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ ਪੇਖ ਉਤਾਰਿਓ ਦਾਸ ਦਾ ਵੱਤ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚਲਾਏ। ਪੰਗਰਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐ ਨਾਨਕ
तू ते पखंड करना है। पहला तू उदासियां वाले कपड़े पाए, फिर पेख उतार उदास दा, उदासियां वाले कपड़े ला दिते, संसारी कपड़े पा ले। तू पखंड करना है, तू शादी कीती है, गृहस्थ जिहड़ा है ए ता बड़ा माड़ा है, तू पखंड करना है। पंगरनाथ ने ए गल गुरु साहिबा नूं कही। पेख उतारू दास दा, वत क्यों संसारी रीत चला। पंगरनाथ ने ए गल गुरु साहिब नूं कही, ते अगों धन गुरु नानक साहब ने की जवाब दिता। नानक आखे पंगरनाथ, तेरी माओ कुछ जिया। साहब जी कहन लगे, पंगरनाथ तेरी जड़ी मां सी ना, वो कुछ अजी सी, क्योंकि बच्चे दा पहला गुरु ओदी मां हुंदी है। तेरी मां ने भांडा धोए ना जात्यों, तेरे मन दा भांडा चंगी तरह धोता नहीं, तेनू अकल नहीं दिती केड़ी। नानक आखे पंगरनाथ, तेरी माओ कुछ जिया। पांडा तो न जाते हो, पाए कुछ अजे फुल सड़ाए। होए अतीत ग्रिस्त ताजे, फिर उनके कर मंगन जाए। साहब जी कहन लगे, ऐ पंगरनाथ होए अतीत, अतीत कहंदे ने जिहड़ा घर बार छड जावे। तुसी अतीत हो गए हो, अपना घर बार छड के पहाड़ां ते रहिंदे हो, इस वास्ते कि गृहस्थ माड़ा है, गृहस्थ नूं छड गए हो तुसी। पर गुरु साहिब जी कहंदे ने, ऐ पंगरनाथ एक पासे कहंदे हो गृहस्थ माड़ा है, ये नहीं करना चाहिदा, माड़ा समझ के छड गए हो, ते जदों भुख लगदी है तुहानूं उदों ठूठे फड के फिर उन्हां गृहस्थियां दे घर मंगण क्यों जांदे हो, उन्हां दीआं पक्कीआं खांदे हो, ते उन्हां नूं ही फिर तुसीं माड़ा कहंदे हो। होए अतीत ग्रिस्त ताजी, फिर उनके कर मंगण जाए। विन दिते किच हाथ लाया, तन नानक तेरी वड़ी कमाई, तन नानक तेरी वड़ी कमाई। जदू ए गल सिद्धा ने सुनी कि तेरी मां कुछ अजी सी जिन्हें अकल नहीं दिती, ता ए गल सुन के सारिया सिद्धा नूं गुस्सा आ गया। उन्हां सारिया सिद्धा ने गुस्से विच आके की कीता, भाई गुरदास जी अपनी पौड़ी विच बयान करदे ने। ए सुन बचन योगी सरा, मार किलक बोरुए उठाए। किलक चीका मारियां, अरू पोता प्रेतां दीआं रूहां नूं बुलाया। इन्हां जोगियां ने वातावरण नूं बड़ा ही डरावना बना दिता है। जेड़े लोग गुरु साहिबां कोल बैठे सन वो सारे डरन लग पए। उन्हां दा डर देख के धन गुरु नानक साहिब दे कोल अजिता रंधावा गुरु साहिबां दे सहुरिआं दे पिंड दा चौधरी बैठा सी। गुरु साहिबां ने कहा, अजिते है
ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਇਸ ਲੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਜਿੱਤਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸੁਣ ਬਚਨ ਯੁਗੀ ਸਰਾ ਮਾਰ ਕਿਲਕ ਬੋਰੂਏ ਉਠਾਈ, ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਖੇਦਿਆ ਕਲ ਯੁਗ ਨਾਨਕ ਭੇਜੀਆ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸਭ ਅਵਖਦੀਆ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੀ ਤੁਨੋ ਚੜਾਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਂ ਚੜਾ ਲਈਆਂ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸਭ ਅਵਖਦੀਆਂ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੀ ਤੁਨੋ ਚੜਾਈ, ਰੂਪ ਵਟਾਏ ਜੋਗੀਆਂ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਬਹੁ ਚਲਤ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਰਿੱਧਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਟਾਏ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਬਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਗਿਆੜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਬਗਿਆੜ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰੂਪ ਵਟਾਏ ਜੋਗੀਆਂ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਬਹੁ ਚਲਤ ਦਿਖਾਈ, ਇੱਕ ਪਰ ਕਰਕੇ ਉੱਡਰਨ ਪੰਖੀ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਲੀਲਾ। ਇੱਕ ਪਰ ਕਰਕੇ ਉੱਡਰਨ, ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਇੰਜ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਖੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਨੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰ ਕਰਕੇ ਉੱਡਰਨ ਪੰਖੀ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਲੀਲਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਗ ਹੋਏ ਪੌਣ ਛੋਟਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਵਰਖਾ ਅਗਨ ਵਰਸਾਈ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਗ ਹੋਏ ਪੌਣ ਛੋਟਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਗ ਹੋਏ ਪੌਣ ਛੋਟਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਵਰਖਾ ਅਗਨ ਵਰਸਾਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਵਰਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਵਰਖਾ ਅਗਨ ਵਰਸਾਈ ਤਾਰੇ ਤੋੜੇ ਪੰਗਰ ਨਾਥ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਮੁਖੀ ਸੀ ਪੰਗਰ ਨਾਥ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਰੇ ਤੋੜੇ ਪੰਗਰ ਨਾਥ ਇੱਕ ਚੜ ਮਿਰਗਾਨੀ ਜਲ ਤਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ,
पर ए जो भी करन उस लीक दे बार बार अंदर कोई भी ना आ सके। तारे तोड़े पंगन ना एक चढ़ मिर्गानी जल तर जाए, सीधा अग्नि ना बुझे बुझाए। तन ननक तेरी वड़ी कमाई, तन ननक तेरी वड़ी कमाई, वड़ी कमाई तेरी वड़ी कमाई। वड़ी कमाई तेरी वड़ी कमाई, तन ननक तेरी वड़ी कमाई, तन ननक तेरी वड़ी कमाई। सिद्धा ने सारा योर लाले पर नाथ गुरु साहब डरे ना उठ के भजे। जिनी ताकत इंसान को लोवे वो पूरी वाह ला के फेर ही रुकद। सिद्ध जड़े सन बड़े शर्मिंदे होए, हुण निम्रता विच हाथ जोड़े धन गुरु नानक साहब जी कोल आके सारे बैठ गए। सिद्ध कहन लगे ए नानक पातशाह, असा इन्ना जोर लाया तू डरिया नहीं, तू भजिया नहीं, तेरे कोल की कुछ दसता सही सानू, तू की लैके बैठा हो, बड़ा ढिला जो होके बैठा है, कुछ दसता सही सानू। जो सिद्धा ने कहा भाई गुरदास जी बयान करते ने, सिद्ध बोलन सुन नानका तोहे जगनु क्या करा मात दिखाई। ऐ नानका तू संसार नु की दसे है के दुनिया तेरे पीछे तुरी फिरदी, कुछ सानू भी दस तू क्यों ढिला होके बैठा है। सिद्ध बोलन सुन नानका तोहे जगनु क्या करा मात दिखाई, कुछ भी खाले असानो तोहे क्यों टेल अवे ही ला। कुछ दसता सही तेरे कोल की ते जो गुरु साहब बन के भाई गुरदास जी ने बयान किया, एदे विच मान नहीं हंकार नहीं। गुरु साहब बन के अगर इन्नी शक्ति इंसान को होवे जे परमेश्वर दा नाम नहीं ता किसे काम नहीं। ते गुरु साहब ने की किया भाई गुरदास जी बयान करदे ने, तन ननक तेरी वड़ी कमाई, तन ननक तेरी वड़ी कमाई। बाबा बोले नाथ जी शब्द सुनो सच मुखों अलाई। बाबा गुरु नानक साहब जी बोले ए नाथ जी सुनो मैं सच्ची गल तुहानू कह रहे हैं। बाबा बोले नाथ जी शब्द सुनो सच मुखों अलाई, बाजो सच्चे नाम दे होर करा मात असा तैनाई। ऐ नाथ उस सच्चे नाम दे सिवा कोई भी करा मात साडे कोल नहीं, सिर्फ उस परमेश्वर दा एक नाम ही है साडे कोल। बाजों सच्चे नाम दे होर करा मात असा तैनाई,
बस्तर पैरों अग्नि के, बर्फ हिमालय मंदिर छाए। ऐसे तो तुसी ते इन्ना कुछ मैनू दिखाया, जे कहो बस्तर पहरो अगन के, मैं अग दे कपड़े सी के पालो, अग दे कपड़े कोई नहीं सी सकदा ते ना पा सकदा। पर गुरु साहब जी कहंदे ने सिद्धो जे कहो ता मैं अग दे कपड़े पालो। बस्तर पैरो अगन के, बर्फ हिमालय मंदिर शाय। हिमालय पर्वत जिथे बर्फ ही बर्फ है, कोई पशु पंछी भी नहीं रह सकता, उस जगह मैं बर्फ दा घर बना के उस बर्फ दे घर दे विच रहन लग पवां। बस्तर पैरों अगन के, बर्फ हिमालय मंदिर शाय। करो रसोई सारदी, सगली धरती नथ चलाय। ए सिद्धो जी कहो करो रसोई सारदी, जे कहो ते रोटी छड़ के, रोटी दी जगह मैं लोया खाना शुरू कर दिया, लोहे दा मैं भोजन करया करा। करो रसोई सारदी, सगली धरती नथ चलाए। सगली धरती नथ चलाई, ए जिन्नी भी धरती है अपने वस विच करके जिधर कहो मैं उधर सारी धरती नू ले जाऊंगा। सगली धरती नथ चला, ए वड करी विथार को, सगली धरती हकी जा। तोली तरते आकाश दोए, पीछे चाबे टंक चढ़ाई। इस दो जे कहो तोली तरत आकाश दोए, धरती ते आकाश तकड़ी दे इक शाबे विच रख के, दूसरे पासे टंक वटा रख के, धरती ते आकाश तोलदे आ। तोली तरत आकाश दोए, पिछे छाबे टंक चढ़ाई। ए बल रखा आप विच, जिसे आखा तिस पास कराए। ए बल इन्नी शक्ति, जिन्नू चाहवा उस दरगाह दे विच पास करा दिया, पाव के मुक्ति भी दवा सकना। ए बल रखा आप विच, जिसे आखा तिस पास कराए। इन्ना कुछ कह के आखिर विच धन गुरु नानक साहब ने कहा, ऐसे दो इन्नी शक्ति इंसान विच होवे, पर ए उदों तक जदों तक शरीर विच श्वास ने, प्राण निकल गए ते ए सारियां शक्तियां भी खत्म। गुरु साहब ने कहा के परमेश्वर दे नाम तू बगैर ए शक्तियां इस तरह ने जिस तरह आकाश ते बदली शांदी आपन दिसदी है के बदली है, मी बैहट दे ते बदली खत्म हो जांदी है। इसे तरह जदू तक नाम है जदू तक उदू तक सब कुछ, ते परमेश्वर दे नाम तू बगैर सब कुछ उस बदल दी तरह है, जिड़ा दिसदा ता है पर मी पैंदा है ता बदली खत्म हो जांदी है। ए पल रखा आप विच, जिस आखा तिस पास कराई। सत नाम बिन बादर शाई,
ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਬਾਬੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਨ ਮੇਲਾ ਸ਼ਿਵ ਰਾਤ ਦਾ, ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਾ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਐ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਕਲ ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਕਲ ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਮੇਲਿਓ ਬਾਬਾ ਉੱਠਿਆ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਜਾਰਤ ਜਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੁੱਧ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਗਲ ਤੇ ਚੰਬੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੀਰ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਗਲ ਤੇ ਚੰਬੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ। ਜੋ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗ ਸਮਾਏ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ,
ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚੇ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ।